नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और गोचर फल 22 की बात करते हैं। हमने 21 में आपको बताया था कि हम आगे ग्रहों को कैसे इसके ऊपर बिठा करके और फिर उसके फल को समझेंगे, और हमेशा हमको इसके फल को समझने के लिए एक तो इन 7 नक्षत्रों को समझना जरूरी है। विशेष रूप से पहला, दूसरा और तीसरा जन्म, त्रिजन्म और अनुजन्म नक्षत्र को समझना जरूरी है, और उसके बाद कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं, कौन ग्रह किसके मित्र हैं और कौन ग्रह किसके शत्रु हैं, इसका ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, ये मैंने वर्तमान का गोचर लिया हुआ है, इसको आपको समझना है कि पूर्वाषाढ़ा में सूर्य और शनि एक साथ ही अभी गोचर कर रहे हैं और दोनों के दोनों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ही हैं। ठीक उसी तरह से ज्येष्ठा नक्षत्र में गुरु और बुध दोनों चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो शुक्र को हमने विशाखा नक्षत्र में वर्तमान समय में गोचर करते हुए देखा, चंद्रमा स्वाति नक्षत्र से गोचर कर रहा है। तो हम लोग देखे कि 2, 2, 4, 2, 6 और गुरु की बात कर लें और मंगल की बात करें तो मंगल उत्तराभाद्रपद में गोचर कर रहा है। थोड़ी देर के लिए राशियों को भूल जाना है और नक्षत्रों को ध्यान में रखना है। हमने कहा कि जब परिस्थिति सामान्य हो उस समय यदि देखना भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि परिस्थिति असामान्य हो, ऐसी दशा चल रही हो जहां जीवन और मृत्यु का भय हो, लाभ और हानि का बहुत भय हो, मानसिक परेशानी इत्यादि का बहुत भय हो, तो उस समय सप्त शलाखा के ऊपर नक्षत्रों को लगा करके और फिर ग्रहों को लिख करके समझना चाहिए। तो हमने कहा था कि अशुभ ग्रहों से भेद नहीं होना चाहिए, किसका किसका, जन्म नक्षत्र का, आधान नक्षत्र का, कर्म नक्षत्र का, विपत नक्षत्र का, वैनाशिक नक्षत्र का, प्रत्यारी और बध नक्षत्र का भेद नहीं होना चाहिए। हमने पहले जो नंबर नक्षत्रों का था उनको मिटा दिया है। अब यहाँ देखिए, ये जन्म नक्षत्र रोहिणी है, इससे तीसरा ये नक्षत्र आ जाएगा आपका विपत, पांचवा आप देख लीजिए प्रत्यारी, सातवां वध, अब ये दसवां, इसको कर्म नक्षत्र या अनुजन्म नक्षत्र कहते हैं, उन्नीसवां इसको आधान नक्षत्र या त्रिजन्म नक्षत्र कहते हैं, बाईसवां इसको वैनाशिक नक्षत्र कहते हैं। तो ये सारे नक्षत्र लिख दिए और ग्रहों को भी बिठा दिया है। अब देखते हैं कि किस किस नक्षत्र का भेद होगा। जिस नक्षत्र का भेद हो रहा होगा उस नक्षत्र को वहां पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। सूर्य से शुरू करेंगे, सूर्य और शनि एक साथ हैं तो एक साथ ही समझ जाएंगे कि कौन कौन से नक्षत्र का भेद हो रहा है। तो सूर्य और शनि पूर्वाषाढ़ा से चलेंगे तो आद्रा का भेद होगा। सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ भेद हो रहा है। सूर्य और शनि तिरछी रेखा में चलेंगे तो हस्त का भेद हो रहा है। यहाँ देखिए हस्त का भेद हो रहा है, हमने क्रॉस लगा दिया। सूर्य और शनि इस क्षेत्र में यदि जाएंगे तो यहाँ उत्तराभाद्रपद का भेद हो रहा है, यहाँ हमने निशान लगा दिया। ये तो सूर्य और शनि ने किसका किसका वेद किया, तो आद्रा का। ये आद्रा कौन सा नक्षत्र है भाई, तो यहाँ हम देखते हैं कि विपत नक्षत्र है और हस्त में भी क्रॉस लगा। हस्त कौन सा नक्षत्र है, दसवां अर्थात कर्म नक्षत्र है, तो इसका वेद हो गया और इसका वेद हो गया, ये आप देख रहे हैं। अब मंगल की बात कर लेते हैं कि मंगल कौन कौन से नक्षत्रों का वेद कर रहा है। तो मंगल वेद कर रहा है सबसे पहले तो पूर्वाषाढ़ा का वेद कर रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस लगा देते हैं, और इसके बाद यदि सीधे चलें तो ये हस्त का भी वेद कर रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस और एक लगा देते हैं। इसके बाद यदि चलें तो मंगल जो है सो उत्तराभाद्रपद में है तो ये आर्द्रा का भी वेद कर रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस लगा देते हैं।
तो आपने देखा कि सूर्य शनि मंगल ये तीनों आद्रा हस्त और पूर्वाषाढ़ा इनका वेद कर रहे हैं, और आपस में भी सूर्य का वेद मंगल कर रहे हैं, मंगल का वेद सूर्य कर रहे हैं। अब मंगल ने आद्रा का और हस्त का वेद किया, तो आद्रा हमारा तीसरा नक्षत्र है अर्थात विपच नक्षत्र का वेद किया, हस्त हमारा दसवां नक्षत्र है अर्थात कर्म नक्षत्र का वेद किया। अब आगे बढ़ जाते हैं, गुरु बुध को अभी छोड़ देते हैं, चंद्रमा छीन है। जब आप पत्रिका में देखेंगे तो ये 72 डिग्री के अंदर होंगे, तो चंद्रमा छीन है तो चंद्रमा देख लेते हैं। स्वाति नक्षत्र में है तो ज्येष्ठा का वेद हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस लगाए। अगर स्वाति में चंद्रमा है तो हम लोग सीधा चलते हैं, रोहिणी का वेद हो रहा है। अब अगर यहां से हम सीधे चलें तो हम क्या देखते हैं कि सतभिषा अर्थात इसका भी वेद हो रहा है, चंद्रमा ने इसका भी वेद किया है। अर्थात हम क्या देखते हैं कि जन्म नक्षत्र और वैनाशिक नक्षत्र इन दोनों का भी वेद हो गया, यहाँ धन नक्षत्र और वैनाशिक नक्षत्र का भी वेद हो गया। अब बुध अभी सूर्य के साथ नहीं है तो ये अशुभ नहीं है, ये आपको मानना है। गुरु और बुध एक साथ हैं। अब 13 डिग्री 40 मिनट का अंतर होता है एक नक्षत्रों का, तो ये अभी अलग अलग भाव में बैठे होंगे, तो ये बुध शुभ हैं इसीलिए इसकी बात नहीं करेंगे। बाद बाकी सारे अशुभ ग्रह, शुक्र भी शुभ है, चंद्रमा भी अशुभ था, चंद्रमा ने भी दो का वेद किया है। अब गुरु बुध देख लेते हैं कि यहाँ ज्येष्ठा में है तो वो स्वाति का वेद कर रहे हैं, यहाँ पे भी वेद हो रहा है। अब ज्येष्ठा में स्थित है गुरु बुध तो किसकी किसका वेद हो रहा है, तो अश्वनी का वेद हो रहा है। ये लाइन पकड़ के आपको चलना है, ये सीधा लाइन धीरे धीरे यहां पहुंच जाएगा। तो अश्वनी का वेद ज्येष्ठा में है तो ये क्या कर रहे हैं, पुष्य का भी वेद कर रहे हैं। तब जो पुष्य का वेद हुआ ये पांचवा है, तो हम यहां पे राइट का निशान लगा देते हैं। अब हमने क्या देखा कि जब हम सारे ग्रहों को लगा लिए तो वेद जन्म नक्षत्र का हो रहा है, कर्म नक्षत्र का हो रहा है, विपत नक्षत्र का हो रहा है, वैनाशिक नक्षत्र का हो रहा है, लेकिन वध नक्षत्र का वेद नहीं हो रहा और आधान नक्षत्र का वेद नहीं हो रहा। यदि यहाँ आधान नक्षत्र का वेद हो जाता तो इन तीनों का वेद होने के कारण हम लोग क्या कहते कि यहाँ मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, मृत्यु होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 नक्षत्रों का, इन सात में से चार का वेद हो रहा है, तो आप अनुपात में रिजल्ट को भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हानि होने की संभावना है, यहाँ पे मानसिक चिंता की संभावना है। लेकिन यदि गुरु बुध की दृष्टि पांचवें पुष्य नक्षत्र पे पड़ रहा है तो ये पांचवें का वेद अर्थात प्रत्यारी का वेद नहीं हो रहा है, वध नक्षत्र का किसी ने वेद नहीं किया और आधान नक्षत्र का किसी ने वेद नहीं किया, तो यहाँ लाभ के जगह पे हानि संभव है लेकिन मृत्यु संभव नहीं है। मृत्यु संभव तब होता जब ये तीनों नक्षत्र का वेद हो जाता, उसके बाद यदि आगे बचे चार में से दो या दो से अधिक नक्षत्रों का वेद होता अशुभ ग्रहों के द्वारा, तब हम क्या कहते कि यहाँ मृत्यु संभव है। चलिए इसको यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे हम क्या देखते हैं कि गुरु बुध जो वेद कर रहे हैं वो अश्वनी का गुरु बुध वेद कर रहे हैं पुष्य का, और गुरु बुध वेद कर रहे हैं स्वाति का। तब स्वाति में चंद्रमा स्थित है तो चंद्रमा का गुरु वेद से वेद होना, गुरु बुध से वेद होना अच्छा हो गया, क्योंकि वर्तमान गोचर का चंद्रमा शुभ ग्रहों से विद्ध है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ चंद्रमा से संबंधित जो भी फल होगा उसका रिजल्ट अच्छा होगा। अब यहाँ सूर्य और शनि और सूर्य को देखिए, पूर्वाषाढ़ा में है तो ये उत्तरा भाद्रपद को, पूर्वाषाढ़ा में है तो ये हस्त को, और पूर्वाषाढ़ा में है तो ये आद्रा को। लेकिन ग्रह कहाँ मिलता है, सिर्फ मंगल मिलता है, मंगल भी सूर्य शनि का वेद कर रहा है और सूर्य शनि भी मंगल का वेद कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि इनके फलों की हानि हो जाएगी।
आपस में यदि अशुभ ग्रहों का भेद हो रहा हो तो अशुभ ग्रह से प्राप्त होने वाले शुभ फलों की हानि समझिए। अब आपको ये समझना होगा कि आपके पत्रिका में सूर्य लग्नेश है, पंचमेश है, भाग्येश है, शनि कहाँ का स्वामी है और मंगल कहाँ का स्वामी है। यदि मंगल केंद्र, मंगल सूर्य आदि केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो तो शनि के वेद से उस भाव से संबंधित फल यदि दशा के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाला था तो उसकी हानि हो जाएगी। इस तरह से बातों को समझना है। तो आप लोगों ने बहुत सरलता पूर्वक, क्योंकि ये चौथा पाठ है सप्तशलाका के ऊपर, हमने बताया कि पहले हमको इन सातों नक्षत्रों का वेद हो रहा है कि नहीं इसको समझ लेना है, उसके बाद आपस में ग्रह वेद कर रहे हैं कि नहीं इसको समझ लेना है। अगर हमारे इन सातों नक्षत्रों में यदि शुभ ग्रह वेद कर रहे हो तो वहां बुरा नहीं मानेंगे, यदि कोई वेद कर ही नहीं रहा हो तो वो भी अच्छा ही कहा जाएगा, लेकिन यदि अशुभ ग्रह वेद कर रहा हो तो फिर वहां हमको फल की कमी कहनी होगी। तो एक तो इन सातों नक्षत्रों का शुभ और अशुभ वेद ध्यान में रखना है, उसके बाद ध्यान में रखना है कि अब जैसे शुक्र भी शुभ ग्रह है, मान लिया जाए शुक्र यहाँ अनुराधा और यहाँ से चलेगा विशाखा से तो ये कृतिका, और फिर यहाँ विशाखा से चलेगा तो धनिष्ठा, अर्थात यहाँ कोई ग्रह नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। तो शुभ ग्रह यदि अशुभ ग्रहों को का वेद करे, जैसे कि ये शुभ ग्रह अशुभ ग्रह चंद्रमा का वेद कर रहा है, चंद्रमा यहाँ अशुभ है, तो क्या होगा कि चंद्रमा से जो अशुभ फल आपको प्राप्त होने वाले थे उसका क्षय हो जाएगा। यदि अशुभ ग्रह अशुभ ग्रह का वेद करे तब हमको रिटर्न जाना है कि यदि वैसे अशुभ ग्रह जो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो, अगर उसका किसी ऐसे अशुभ ग्रह जो नैसर्गिक के साथ साथ तात्कालिक रूप से भी अशुभ हो, वैसे ग्रहों के द्वारा भेद होता है तो त्रिकोण और केंद्र से प्राप्त होने वाले शुभ परिणामों का क्षय होगा। तो इस तरह से हम लोगों को सप्तशलाका पे सारे ग्रहों को रख करके जब आप अभ्यास कर लेंगे तो बड़ा ही सरल हो जाएगा। ये नक्षत्र निकाल लिया, वेद आपने समझ लिया तो बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। हम कहते हैं कि यदि रोजाना इसको लगा के नहीं देखते हैं तो उस समय जरूर लगा करके देखें जब मृत्यु खंड चल रहा हो, जब षडाष्टक की दशा हो, जब 6, 8, 12 के स्वामियों की दशा हो, यदि साहचर्य के रूल से वो अशुभ हों। तो यदि आप यहाँ तक समझ पाएंगे तो हमको उम्मीद है कि इस चैप्टर का आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, उससे नक्षत्रों को भी समझने का फायदा मिलेगा। उसके बाद आपको ये भी ध्यान में होगा कि जन्म काल में कौन से ग्रह किस नक्षत्र में है, क्या उसका वेद हो रहा है, इसको हम लोग आगे अपने प्रिडिक्शन प्रैक्टिस में समझेंगे। अब चूंकि यदि हम इस पर कुछ भी बोलेंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा, इसलिए हमने आपके समक्ष 4 पाठ रखे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पाठ को समझ रहे होंगे। यदि ये 7 नक्षत्र भूल भी जाएं तो जन्म नक्षत्र, आधान नक्षत्र और कर्म नक्षत्र को नहीं भूलिएगा। अगर ये 3 नक्षत्र पीड़ित हो गए, अशुभ ग्रहों से विद्ध हो गए तो आप समझिए कि समय अच्छा नहीं है। कोई परेशानी हो, किसी भी तरह का पाठ से संबंधित कोई परेशानी हो तो हम सबसे पहले कहेंगे कि 2 बारी पाठ को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद भी परेशानी हो तो भी कमेंट कीजिए। अगर एक बार पढ़ के भी कमेंट करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप इंतजार करेंगे कि 2-1 पाठ देख लेते हैं, यहाँ जो चर्चा है आगे इस चर्चा हुआ या नहीं हुआ, यदि किसी भी तरह से समझ नहीं आ रहा हो तो आप हमसे पूछिए, फ़ोन कीजिए, स्वतंत्र हैं बेहिचक फ़ोन करने के लिए। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।